फ्रेंड्स अब देखिए हम आपको बोया का माइक दिखा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा माइक, इनके अनबॉक्सिंग रिव्यू करने जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे फीचर हैं। फ्रेंड्स ये आप देखिए नया भी आया हुआ है और बहुत ही इसमें ये लिखा हुआ फॉर स्मार्टफोन कैमकॉर्डेंस DSLR ऑडियो रिकॉर्ड एंड PC एक्सेट्रा, मतलब सभी में काम करे। इसके ये फीचर हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पर देखिए इसमें इलेक्ट्रिक कंडेंसर दिया हुआ है, पोलर पैटर्न ओमनी डायरेक्शनल है, फ्रीक्वेंसी रेंज 85 हर्ट्ज़ से 18 हर्ट्ज़ तक है, सिग्नल नॉइस 74 डेसिबल। फिर इसके बाद सेंसिटिविटी फ्रेंड्स ये देखिए दिया हुआ है। फिर इसमें आउटपुट इम्पीडेंस 100 ओम और लेस। फिर कनेक्टर 3.5 mm का है फ्रेंड्स। बाकी बैटरी इसकी LR44 है फ्रेंड्स। ये वेट इसका माइक्रोफोन 2.5 ग्राम का है और पावर मॉड्यूल 18 ग्राम का फ्रेंड। अब इसको हम ओपन करते हैं, ये देखिए एकदम नया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। इसको फ्रेंड्स ये और ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया पैकिंग है। ये ओपन हो गया फ्रेंड्स। अब ये देखिए इसका ये एक डिब्बा निकलता है, इसके साथ में कुछ एक्सेसरीज हैं, जैसे ये है फ्रेंड्स, ये बोया की गाइड है, बोया YM1 यूनिवर्सल लेबोर माइक्रोफोन। ये फ्रेंड्स इसमें इसके कैसे यूज करना, यूज़र गाइड है। इसके साथ में एक ये आता है फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ लिखा हुआ चाइनीज़ है और कुछ ये है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये इसमें सबसे पहले इतनी चीज़ें हैं, ये फ्रेंड्स इसको इधर रखते हैं। इसके साथ में देखिए केबल ही 6 मीटर की केबल ही, बहुत ही फर्स्ट क्लास केबल है। और इसके साथ में ये एक्सेसरीज दे रखे हुए हैं, एक्सेसरीज फ्रेंड्स देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। फ्रेंड्स एक ये जैक दिए हुए हैं और एक ये पिन है फ्रेंड्स। इसके साथ एक बैटरी आपको मिल जाती है और एक ये माइक में लगाने के लिए, ये फ्रेंड्स ये इससे और अच्छा हो जाता फ्रेंड्स में। ये फ्रेंड्स ऐसे इसमें फिट हो जाएगा। इसके बाद में ये फ्रेंड्स ये है मेन, और इसमें ऑफ ऑन का दिया हुआ है। इसके अंदर ये बैटरी फ्रेंड्स लगेगी, ये वाली बैटरी। अगर आपको कैमरा चलाना है तो इसको आप ऊपर कर लेंगे फ्रेंड्स ऐसे, और इसको इसके स्मार्टफोन पे चलाना है तो फ्रेंड्स को नीचे कर लेंगे। ये फ्रेंड्स की वो दिया हुआ कॉलर में लगाने के लिए पिन है। बाकी इसकी प्राइस की रही बात, तो प्राइस इस समय मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया फ्रेंड, तो इसकी प्राइस 1,099 रुपये पड़ी है। और बहुत ही अच्छा माइक फ्रेंड्स, और आगे इसका रिव्यू हम आवाज़ भी इसमें डाल के आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी इसकी आवाज़ है और बाहर की जो भी नॉइज़ आती है सब उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि ओरिजिनल जो नॉइज़ होती है फ्रेंड्स वही आता है इसमें। इसलिए यूट्यूबर्स को, जितने भी यूट्यूबर्स हैं लगभग सभी लोग यही माइक सजेस्ट करते हैं, यही लोग यूज भी करते हैं। और बहुत ही देखने भी बहुत मजबूत प्लास्टिक है, बहुत सॉफ्ट इसका लुक है। और ये फ्रेंड्स ये ऐसे खुलता भी है, ये देखिए इसको खोलने के बाद में इसमें बैटरी अंदर लगाई जाती है। ये फ्रेंड्स ये खुल गया, अब यहाँ पर इसकी ये बैटरी लगाते हैं। अगर फ्रेंड्स ये बैटरी तब लगाते हैं जब आप DSLR और फ़ोन के अतिरिक्त आप यूज करते हैं। अगर आप फ़ोन में यूज करते हैं तो बैटरी की फ्रेंड ज़रूरत नहीं होती है, है ना। तो इसको आप रख लीजिए, अभी मैं फ़ोन में यूज कर रहा हूँ, और जब हमें कैमरा और किसी और उसमें चीज़ों में यूज़ करना होगा तो हम यहाँ पे बैटरी लगा लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अभी लगा देंगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर इसलिए आपको लगा के दिखा देते हैं। इसको देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे मैंने इसको, ये फ्रेंड्स बैटरी है, इसको ऐसे लगाना है, ये देखिए। इसको आप पहले किसी भी चीज़ से इसको ऐसे आप पुश कर देंगे फ्रेंड्स, फिर इसके बाद में इसको ये फ्रेंड्स बहुत इजीली अंदर चलिए, थोड़ा सा हल्का सा पुश करके आप इसको इसमें पुश कर दीजिए, फिर इस खोल को आप बंद कर दीजिए फ्रेंड्स ऐसे। ये
भी माइक रेडी हो गया फ्रेंड्स। ये भी लीड काफ़ी बड़ी एवरेज 6 मीटर लगभग है फ्रेंड्स, और लीड की क्वालिटी बहुत फर्स्ट क्लास है। 3.5 mm का इसका ये पॉइंटर है, जिसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें भी आपको हमने अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, अब ओया के माइक से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स। की आवाज़ बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आएगी। अब इसमें बैटरी कैसे लगाते हैं, इसे यूज़ कैसे करते हैं फ्रेंड्स। इसको ऊपर अगर कर देंगे तो कैमरा रिकॉर्डिंग होती है, तो उसके लिए बैटरी की हमें ज़रूरत पड़ती है। बट लेकिन अगर हम इसको नीचे ऑफ, जहाँ स्मार्टफोन लिखा, अगर इसको नीचे कर देते हैं तो ये इस मोड में बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर यहाँ हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं फ़ोन में फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, ये कैमरा है, इसमें आप DSLR कैमरा बाहर से यूज करेंगे तो उसमें बैटरी लगाना पड़ेगा, और इसमें स्मार्टफोन यहाँ कर देंगे इसको नीचे ऐसे, तो इसमें आपको बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। बैटरी इसके अंदर है, ये आप देख लीजिए, ऐसे इसको ओपन करेंगे फ्रेंड्स, ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। बैटरी तभी काम करती है या फिर इसका यूज है जब आप इसे बाहर से मतलब यूज़ करेंगे, जैसे कैमरा लगा लेंगे या फिर कुछ और भी लगा लेंगे तो उसमें यूज होगा। बट इसको ऐसे टाइट कर देंगे फ्रेंड्स, इसके बाद में इसको आप कहीं पर भी पैंट में कहीं भी फंसा सकते हैं। इसके साथ जो ये ऑप्शन है इसको नीचे आप लगा लीजिए। इसकी मीटर लगभग 20 फीट लगभग लंबी केबल है, बहुत ही मजबूत केबल फ्रेंड्स, आवाज़ भी बहुत फर्स्ट क्लास है, और इस मेरे हिसाब से तो इसको लेना चाहिए, बहुत ही बेटर बोया का माइक है। थैंक यू।